सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं 75 जिलों की 75 खबरों से। योगी को मठ भेजने वाले करेंगे भाजपा ज्वाइन, 321 दिन बाद फिर से भाजपा में शामिल होंगे पूर्व आयुष मंत्री। धर्मपाल सिंह ने ये कयास दिए हैं। गोरखपुर की नालियों में बहता है सोना, 45 साल से कचरे से सोना निकाल रहे हैं 100 से ज्यादा परिवार, दावा है 4 घंटे में जुटते हैं सोना। सरकारी अस्पताल में व्यवस्था बेहाल, एसएन मेडिकल कॉलेज की ओपीडी का रास्ता खुदा, महिला चिकित्सक चिकित्सालय में नहीं मिलते कंबल और चादर। विकासनगर अग्निकांड में देरी से पहुंची थी दमकल, ट्रापर ड्रेस नहीं पहन कर पहुंचने पर शासन से मांगा जवाब, फिर भड़की आग। हवलात में दरोगा ने पीट कर युवक पर का है पैर तोड़ा, कोर्ट के आदेश पर हुसैनगंज थाने में मुकदमा दर्ज, 8 महीने पुराना है मामला। रोडवेज और ट्रक में भिड़न, 6 लोगों की मौत, जयपुर से लखनऊ होते हुए बहराई जा रही थी बस, 15 यात्री घायल। फतेहपुर में झाड़ियों में जिंदा मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती, इलाज के दौरान बच्ची की हुई मौत, मां की तलाश में जुटी पुलिस। पांच साल की बेटी की गवाही से पिता को सजा, झांसी में मां की हत्या का इकलौता चश्मदीद था, कोर्ट ने 10 साल की कैद दी। इटावा में लोकसभा चुनाव को देखते हुए वाहन चेकिंग, 21 लाख की नकदी जब्त, लगातार हो रही है कार्रवाई। पीलीभीत में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, फांसी के फंदे से लटकता मिला पिता का शव, जमीन पर पड़े थे बेटे और बेटी। बजरंग दल नेता ने मर्डर से पहले हत्या आरोपियों की रील, अतुल पंडित गैंग का गाना, छोटे भाई जिससे हो दिक्कत तू गोली मार दिए, जेल हम काट लेंगे। हमीरपुर के चारों आईटीआई कॉलेज भगवान भरोसे, लोगों का स्टाफ चाहिए लेकिन तैनाती से 20 की, बहुत सी टेडो का एक ही स्टाफ नहीं। सोनभद्र में नकली शराब बनाने वालों का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार 4 फरार, 39 पेटियों से बरामद है 1717 शीशी देसी शराब। फिरोजाबाद में परिवार में 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत, 10 मिनट में पूरे घर में फैली, पत्नी बच्चों को बचाने गया, युवक भी बाहर नहीं निकल सका। गाजीपुर चौचकपुर मार्ग पर कूड़े का बना पहाड़, दुर्गंध से राहगीर होते हैं परेशान स्थानीय लोगों ने संक्रमण बीमारियों का डर। सीतापुर में रोजवेज बस की बड़ी लापरवाही, उजागर, मोबाइल पर बात करते समय एक हाथ से चला रहा था बस, 30 से 35 यात्री बस में थे सवार। सूदखोरों की धमकी, रुपए दो नहीं तो बेटियां उठा लेंगे, इसलिए मां ने डीएम ऑफिस में पिया था जहर, डर की वजह से बच्चियों को स्कूल नहीं भेज रहे। मथुरा में बांग्लादेशी कैदी हुए रिहा, जेल से रिहा बांग्लादेशी कैदियों को पुलिस छोड़ने गई सीमा तक। बरेली में वाहन की टक्कर से बोलेरो में आग लगी, फरीदपुर में लगी जली गाड़ी, बसपा के 3 कार्यकर्ता बाल बाल बचे। टीटीजेड में प्रदूषण करने वालों पर होगी कार्रवाई, कमिश्नर ने प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम समेत अन्य विभागों को दिए हैं सख्त निर्देश।
एमएसएमई मंत्री ने कोर्ट से मिली है राहत। लेसा अधिकारी से मारपीट मामले में 33 साल बाद आया फैसला, विशेष कोर्ट ने बरी किया। सुल्तानपुर में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू, सपा से दावेदार बोले, गुलाब नाम है मेरा, कमल को दे सकता हूं चुनौती। पीलीभीत में एसपी ने 4 सिपाहियों को किया है निलंबित, गोपनीयता भंग करने में की कार्रवाई, गौकशी के आरोपी से साठगांठ का आरोप। वाइल्ड लाइफ टीम ने 4 अजगर का किया रेस्क्यू, बैंक टू बैंक ऑपरेशन में वाइल्ड लाइफ एसओएस ने 20 किलो से अधिक वजनी अजगर को बचाया। हाथरस के चदंपा में गुमटी में लगी है आग, हजारों के सामान जलकर हुआ खाक, कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने पाया काबू। आगरा पहुंचे नवांगत पुलिस कमिश्नर ने संभाला चार्ज, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रतिदर सिंह पहले ही दिन दिखे एक्शन मोड में। अलीगढ़ से दिल्ली जा रही रोडवेज बस में लगी है आग, चालक की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान, शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी बस में आग। चंदौली में निजी कंपनियों के अधिकारियों को बदमाशों ने पीटा, मारपीट के बाद मौके पर जुटी लोगों की भीड़। कानपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला महिला व उसके बच्चे का शव, पुलिस कर रही है जांच पड़ताल। कन्नौज में मंत्री असीम अरुण ने डीएम को दिए बधाई, 17 साल बाद कन्नौज महोत्सव कराने पर दी बधाई। अमेठी में निकाली गई यातायात मां जागरूकता रैली, रैली को एसपी इलामरन ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। आजमगढ़ में राम जानकी विवाह उत्सव कार्यक्रम का हुआ है आयोजन, कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा किया गया अश्लील नृत्य। बुलंदशहर में संविदा सफाईकर्मी की गोली मारकर हत्या, सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद में अगवा होने के बाद बच्चे ने दांतों को बनाया हथियार, बदमाशों के चंगुल से छूट पाया, पहुंचा घर। गुना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा निकाली गई साइकिल साहसिक यात्रा, साहसिक यात्रा से लोगों में किया गया जागरूक। गाजियाबाद में युवती की मौत पर अस्पताल में हंगामा, पहले तबीयत बिगड़ी फिर कोमा में गई और 10 दिन में दम तोड़ा। गुना में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज, भाजपा के पदाधिकारी जिला निकाय क्षेत्र का भ्रमण करते हुए चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। सपा एमएलए इरफान सोलंकी पर एक और एफआईआर, अशफाक अली नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाकर दिल्ली से मुंबई फ्लाइट से भागे। रायबरेली में विद्युत विभाग की लापरवाही से लाइनमैन की हुई दर्दनाक मौत, मामले में पावर हाउस में तैनात बिजली कर्मचारी, पूछताछ जारी। कासगंज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का हुआ आयोजन, सामूहिक विवाह में 34 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। रायबरेली में खेत के विवाद में चलते दो पक्षों में चले हैं लाठी डंडों, मारपीट में एक व्यक्ति को गंभीर चोट लगी है।
कांचगंज में जेपी पब्लिक एकेडमी स्कूल में यातायात जागरूकता माह का समापन कार्यक्रम हुआ आयोजित। स्कूल स्टाफ और भारी संख्या में छात्र छात्रा मौजूद रहे। रायबरेली में सरकार की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए योजना पर पानी फेरते दिख रहे हैं जिम्मेदार। गड्ढा मुक्त कराने के नाम पर हो रही है सिर्फ खानापूर्ति। गुजरात के कोटेश्वर से साइकिल चलाकर कुशीनगर पहुंचे संजय खाड़े। संजय खाड़े का रोटरी क्लब ने किया स्वागत। दो दिसंबर से शहर में भी देखने को मिलेगी रायबरेली फिल्म। रायबरेली के अभिनेता गौरव कुमार ने दी जानकारी। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने ऊर्जा नीति पर जारी की है बुकलेट। प्रदेश में संचालित होने वाले जैव ऊर्जा सोलर ऊर्जा की नीति के बारे में मिलेगी जानकारी। रामपुर में आजम खान ने फिर खोला इमोशनल कार्ड। कहा, मैं वो बदनसीब हूं जो बेटे की पैदाइश साबित नहीं कर सका। लखनऊ में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद मुस्लिम वोट जुटाने में लगे। मंत्री ने राजकुमारी सैनी के पक्ष में मतदान करने की है अपील। औरैया में अधिशासी अभियंता कार्यालय के बाहर विद्युत कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। 15 सूत्री मांगों को लेकर किया जा रहा है प्रदर्शन। देवरिया में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने लग्जरी वाहन से अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त को किया है गिरफ्तार। हरदोई में दिन दहाड़े 3 लाख की लूट से मचा हड़कंप। लुटेरों ने घटना को अंजाम देकर फायरिंग करते हुए फरार। रामपुर में आजम खान का समर्थन करने पहुंचे चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने सपा नेता आजम खान के आवास पहुंचे उनका हालचाल जाना। लखनऊ में ड्रेस कोड को लेकर मेडिकल कर्मचारी डिप्टी सीएम विजय पाठक का निर्देश। डॉक्टर कर्मचारी ड्रेस में ही करे ड्यूटी। अमेठी में फिर गूंजेगी कल कारखानों की आवाज। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी को इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी हुई तेज। कल डिप्टी सीएम विजय पाठक का अयोध्या दौरा। रसपान करने के बाद सीएससी बीकापुर का करेंगे निरीक्षण। अमेठी में तेज रफ्तार कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। हाईवे के से नीचे गिरी कार। कार सवार 2 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, वहीं एक की मौके पर हुई मौत। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बुलंदशहर से होमगार्ड रवाना। 10 बसों में 400 होमगार्ड हुए रवाना। चंदौली में प्रतिमा बैठाने को लेकर 2 पक्षों में तनाव। गांव में सार्वजनिक जगह पर बैठाई जानी थी अंबेडकर की प्रतिमा। मौके पर पहुंचे सीओ। कन्नौज में घर में सो रही मां बेटी की गला रेतकर हत्या। हत्या कांड में 2 लोग पुलिस के लिए हिरासत में। हत्याकांड से गांव में फैली सनसनी। लखनऊ में हर्ष फायरिंग पर रोक के बाद भी हो रही है हर्ष फायरिंग। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल। जिले स्तर पर पुलिस अधीक्षक ने चौकी प्रभारी के कार्य क्षेत्र का किया है बदलाव। कोतवाली कन्नौज को बनाया गया है सयार मीरा चौकी इंचार्ज। लखनऊ के आईपीएस अफसर के फार्म हाउस में फंदे से लटकता मिला है युवक का शव। प्यार में धोखा खाए युवक ने की है आत्महत्या। प्रतापगढ़ में अज्ञात युवक की गला काटकर हत्या से सनसनी। बाहर से लाकर हत्या का शव।
फेंके जाने की जताई जा रही है आशंका। आजमगढ़ में बीसी महिला उत्थान समिति ने किया है नारेबाजी, 9 सूत्री मांगों को लेकर मंडल आयुक्त और जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी का जुबानी हमला, योगी झगड़े की याद दिलाकर उकसाना चाहते हैं, सीएम वही बोलते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। कुशीनगर सीएमओ पर महिला डॉक्टर ने लगाया है आरोप, ड्यूटी ज्वाइन करने के नाम पर मांगे 70,000, डिप्टी सीएम ने दिए जांच के आदेश। ललितपुर में पूर्व प्रधान समेत 4 पर मुकदमा दर्ज, मृतक व्यक्तियों को जिंदा बताकर मनरेगा योजना के पैसे गबन का आरोप। धन परिवर्तन और गैंग रेप का मुख्य आरोपी अकलीमल अरेस्ट, बरेली से अगवा किया, आगरा में बंधक रखा, सब्जी में देते थे गाय का मांस। एटीएम मशीन से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का हुआ है खुलासा, मैनपुरी के फेविकिक लगाकर मशीन में फंसा देते थे कार्ड। सिंचाई विभाग के आवासीय परिसर में चला बुलडोजर, लखनऊ के हजरतगंज परिसर में अतिक्रमण को हटाया गया, कर्मचारियों ने बना लिया था मकान। लखनऊ में वृद्ध महिला कैशलिया देवी ने अपने आप को लगाई है आग, गंभीर रूप से जली महिला को लेकर पुलिस ने भेजा हॉस्पिटल। हरदोई में दूध प्लांट पर काम करने गए एक मजदूर की करंट में से मौत हो गई है, गुस्साए परिजनों ने हाईवे पर शव रखकर लगाया जाम। बुलंदशहर की सड़कों पर अवैध कब्जा, सीओ सिटी ने लगाई फटकार तो भाग खड़े हुए अतिक्रमणकारी, 50 दुकानों पर कार्रवाई। नोएडा में थाने के सामने ही जमकर चढ़े हैं लात घूंसे, पुलिसकर्मियों के आगे ही जमकर हुई है मारपीट, वीडियो हो रहा है वायरल। भदोही में सरकारी स्कूल में छात्रों ने कराया गया काम, ईंट उठवाने और मिट्टी फैलाने का छात्रों से कराया गया कार्य। फिलहाल 75 जिलों की 75 खबरों, बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार।